और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, दुखद खबर मिल रही है। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। दरअसल कुछ समय से वो बीमार चल रही थी। जोधपुर के विकास में कई वर्षों से समर्पित थी सूर्यकांता व्यास। पार्षद के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की उन्होंने शुरुआत की थी। वसुंधरा राजे और भैरव सिंह शेखावत सरकार में जोधपुर के उन्होंने कई विकास के काम कराए। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी विकास की गंगा बहाई। लेकिन नहीं रही है सूर्यकांता व्यास, ये दुखद खबर मिल रही है। पार्टी में शोक की लहर, जोधपुर के विकास में जिन्होंने वर्षों से कार्य किया, पार्षद के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। और आप सोचिए कि एक पार्षद के तौर पर जब राजनीति की शुरुआत की तो फिर कई बार वो विधायक भी रही, कई बार के विधायक भी रही, और विधायक रहते हुए कई बार उन्होंने बेहतरीन कार्य किए। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी थी क्योंकि टिकट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी नाराजगी उन्होंने नहीं जाहिर की थी। जितने समय वो विधायक रही तब तक लगातार वो क्षेत्र के लिए काम करती रही। वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत सरकार में जोधपुर के कई विकास के कार्य उन्होंने कराए। और इतना ही नहीं, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी विकास की गंगा अपने क्षेत्र में उन्होंने बहाई। राजीव गौड़ हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव, बेहद दुखद खबर मिल रही है, सूर्यकांता व्यास अब इस दुनिया में नहीं रही है। देखिए, निश्चित रूप से लंबे समय से बीमार चल रही थी, आज जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है, एम्स में भी भर्ती रही। और देखिए कि भैरव सिंह शेखावत सरकार में उन्होंने काम किया, वसुंधरा राजे के साथ में काम का किया। देखिए, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब दूसरी पार्टी की नेता होने के बावजूद विकास की गंगा बहाई है। एक पुलिस अधिकारी के घर में जन्म लेकर पार्षद के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। देखिए, 7 बार MLA रहना अपने आप बड़ा मैसेज जो है, एक बड़ा संदेश रहता है। और जोधपुर के विकास में उन्होंने काफी इस तरह के जो माइलस्टोन्स कह सकते हैं वो उन्होंने स्थापित किया। जीजी के नाम से प्रसिद्ध रही, उनका बचपन का नाम जेठी था। और देखिए कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे का उनका स्नेह, वसुंधरा जी की माँ जो विजयराजे सिंधिया थी, उनसे उनके साथ में पार्टी का काम करने का मौका मिला। प्रदेश की महिला मोर्चे की उस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब उनको दी गई थी, और पूरे प्रदेश के अंदर जीजी के नाम से मशहूर रही है। सूर्यकांता व्यास का जो जीवन रहा है वो किसी भी मामले में इतनी जबरदस्त जुझारू थी कि कहीं भी किसी विभाग में पहुंच जाती। और पिछले दिनों देखिए, एक प्रताप नगर रोड पर कचरे के को ढेर का मामला था, खुद जाकर के धरने पर बैठ गए। भले सरकार खुद की हो, वो चाहती थी कि काम हो, जनता जब चुनती है तो नेता पे विश्वास करके चुनती है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह के ये मामले देखने को मिले हैं तो समझ सकते हैं कि सूर्यकांता व्यास का जो डेडिकेशन रहा है, अशोक गहलोत को वो हमेशा अपना भाई बताती रही और अशोक गहलोत भी उन पर पूरा मान सम्मान देते रहे। और अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जोधपुर आए थे तब भी उनसे मुलाकात करके उनकी तबियत पूछ के, कुशल से पूछ के दीर्घायु होने की भी कामना की थी। लेकिन होनी को जो मंजूर होता वही होता, कुछ देर पहले सूर्यकांता व्यास ने दम तोड़ दिया और अब वो हमारे बीच नहीं रही। जी बिल्कुल, राजीव बता रहे हैं कि आप तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही थी, किन परेशानियों से जूझ रही थी, अभी बीते कुछ समय की बात करें, बेशक बीमार थी लेकिन लोगों के मिलने जुलने का तो सिलसिला लगातार जारी रहा था। आप भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक ने उनसे मुलाकात की थी, तो बीते अगर कुछ दिन की बात करें, आप बता पाए किस तरीके से वो सक्रिय थी भी या फिर नहीं, लोगों से मिल रही थी या फिर तकलीफ बहुत ज्यादा थी कि सिर्फ घर पर ही रहा करती थी? देखिए, स्वास्थ्य का ही कारण था कि इस बार वो उनको टिकट नहीं दिया गया, फिर स्वास्थ्य बड़ा कारण था। वो सक्षम, उम्र बढ़ती जाती, उम्र दराज हो गई और वो खुद भी चाहते थे कि बहुत अन्य कार्यकर्ता उनको भी आगे आना चाहिए। हमेशा उन्होंने मान सम्मान अनुशासन का ध्यान रखा और कुछ समय से बीमार थी, एम्स में भर्ती भी रही और एम्स में भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो है उनसे मिलने पहुंचे थे। और ऐसे में पार्टी को एक बड़ी क्षति कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़कर रही, कभी बदली नहीं, लेकिन सबको साथ में लेकर चलने की जो कोशिश रही। जोधपुर के अंदर महिला भाजपा को अगर जन्म देने की बात करें, एस्टेब्लिश करने की बात करें, तो उनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो रख, क्योंकि शुरू में आप भी जानते हैं कि पहले महिलाएं इतना ज्यादा पार्टी से जुड़ती नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से ये एक नजीर कही जा सकती है, सूर्यकांता व्यास ने महिलाओं को प्रेरित किया। और राजस्थान के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ जो माना जाता है वो महिला को जोधपुर में माना जाता है, तो समझा जा सकता है कि एक संगठनकर्ता
एक काम करने वाली विधायक है जो हमारे बीच में नहीं रही है, और उन्होंने कोई जाति भेद नहीं किया। हताइयों पर जाकर के लोगों की सुनती थी, छह साल हताइयों की परंपरा है, वहां जाकर के लोगों को सुनना, लोगों की बात काम को सुनना, छोटे से छोटे व्यक्ति का काम करना, खुद किसी की मोटरसाइकिल पर स्कूटर पर बैठ करके रवाना हो जाती, वो कार आने का इंतजार नहीं करती थी। तो एक ऐसी महिला थी जिनका जो जीवन विराट व्यक्तित्व का थलीजा इतनी साधारण से थी, सिंपल दो पट्टी की चप्पल में किसी के भी व्यक्ति के साथ हाथ पकड़ के वो लेके चल जाते वहां चली जाती थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक ऐसी राजनीति की पुरोधा का आज देहावसान हो गया है जिन्होंने जोधपुर के विकास के अंदर अपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल राजीव, और जिस तरीके से आपने बताया कि जीजी के नाम से उन्हें सब पुकारा करते थे, लेकिन आज उन्हीं की जीजी उनके बीच नहीं रही हैं। विधायक रहते हुए कई विकास कार्यों की गंगा उन्होंने बहाई है। राजीव, कुछ ऐसे काम जो सबसे ज्यादा प्रचलित हो क्षेत्र में, जिनको जनता आज भी याद करती है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल उन्होंने कायम जरूर की है। देखिए, चाहे शहर की बात करें चाहे सुरसागर की बात करें, दो दोनों क्षेत्र से विधायक रही हैं, और दो क्षेत्र से विधायक है ना अपने आप में, तो आप समझिए कि आधे से ज्यादा जोधपुर तो कवर उसी के अंदर हो जाता है। जो सुरसागर का जो क्षेत्र है और शहर का जो क्षेत्र है, वो पूरा शहर का इलाका कहलाता है, परकोटी के भीतर का इलाका कहलाता है। तो आप समझिए कि उसमें शायद ही चाहे पानी की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, अतिक्रमण हटाने की बात कर ले, और विशेष तौर पर सीमेंट की रोड की एक जो शुरुआत की थी वो उनकी मेहनत का नतीजा है। वसुंधरा राजे उन पर बहुत ज्यादा यकीन करती थी, उनका कुछ भी बात सुन। अब सबसे ज्यादा जो दुख हुआ है, क्योंकि उनकी माँ जो विजय लक्ष्मी थी वहां से जुड़ी हुई थी, सबसे ज्यादा दुख कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे उनके परिवार पार्टी के हर कार्यकर्ता को हुआ, लेकिन एक लगाव की बात होती है। भैरव सिंह शेखावत भी उनको बहुत मान सम्मान देते थे, उनकी किसी बात को टालते नहीं थे, और इसीलिए देखिए सबसे बड़े अशोक गहलोत, वैभव गहलोत उनके पुत्र थे, वो उनका आशीर्वाद, वैभव गहलोत चुनाव लड़ते लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए सूर्यकांत व्यास के पास जाते थे। जब भी अशोक गहलोत पैदल निकलते थे, रास्ते में सूर्यकांत व्यास का घर पड़ता था, वो उनसे मिलते थे। जीजी एक अपनेपन के आधार पर कांग्रेस सरकार के अंदर काम कराने के लिए बहुत विख्यात रही, और देखिए कि उम्र के पड़ाव के कारण इस बार उनको टिकट नहीं मिला था, पूरी सुर्खियों में बेबाक से अपनी बात कहती, खुलकर अपनी बात कहती, और कई बार तो वो धरने पर बैठ जाती, वो कहती ये काम होना चाहिए, नियमों के अनुसार काम होना चाहिए। तो वो जीजी का जो जीवन रहा है उसको तो हम शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते, लेकिन शहर और सुरसागर क्षेत्र में विकास की अगर बात करें तो निश्चित रूप से ऐसे काम जो पहली बार हुए, नवाचार हुए, सूर्यकांत व्यास के प्रयासों से। बिल्कुल, तीन बार जोधपुर से, तीन बार सुरसागर से विधायक रहना वाकई में एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि वसुंधरा राजे की सरकार हो, भैरव सिंह शेखावत हो या फिर अशोक गहलोत हो, सरकार कैसी भी रही हो, किसी की भी रही हो, लेकिन विकास के कार्य कभी रुके नहीं, लगातार विकास होता रहा क्षेत्र में, और यही वजह है कि जनता भी उन पर भरोसा जताती रही। लेकिन राजीव, अस्वस्थता की वजह से जाहिर सी बात है कि परेशानी है, दिक्कत है, ठीक नहीं चल रही है तबीयत, तो आम जनता से उतना ज़्यादा सक्रियता से मिलना नहीं हो पा रहा होगा, बल्कि लोग घर पर पहुँच रहे होंगे। लेकिन राजीव, ये भी एक व्यक्तित्व की, एक व्यवहार की बड़ी बात होती है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करवाना और ऊपर उठकर व्यवहार होना, ये एक नेता की एक खासियत मानी जाती है। क्योंकि राजनीति में, आज के दौर की राजनीति में देखा जाए तो फिर काम अटकने की बात या फिर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन सूर्यकांता व्यास एक ऐसी व्यक्ति रही, ऐसी महिला रही कि उनके कार्यकाल में विकास होते रहे, रुका नहीं कभी। राजीव, हम लौटेंगे आपके पास, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बेहद दुखद खबर है, सूर्यकांता व्यास पूर्व विधायक अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सरकार किसी की भी रही हो लेकिन क्षेत्र में विकास कभी नहीं रुक पाया।